गुड इवनिंग, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? सर, गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर, सर। गुड इवनिंग। तो बच्चों, कल हम लोगों ने एट सिंगल जो साइकिल थी, तो साइकिल की जो ऑर्डर था वो कैसे, अगर साइकिल खुद के साथ मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो साइकिल का क्या ऑर्डर रहता है, ये सारी चीजें हमने सीखी थी। तो मुझे उम्मीद है वो तो समझ में आ गया होगा, कोई एट सिंगल साइकिल हो तो ना। लास्ट में हमने ये कहा कि अगर एट से ज्यादा साइकिल हो तो फिर उनके प्रोडक्ट को मिला के नई साइकिल जो बनी है, तो उसमें होता क्या है कि आप हर एक जो सब साइकिल है, हर एक का ऑर्डर देखिए और उनके ऑर्डर्स का एलसीएम ले लीजिए। ऐसी बात की थी मैंने, ऐसा है या नहीं, याद आ रहा है? यस सर। हाँ, तो इसको जिस आदमी ने सबसे पहले प्रूफ किया, उनके नाम पर इस थ्योरम का नाम है रुफिनी थ्योरम, और काफी फेमस थ्योरम है, और 1799 की थ्योरम है बच्चों, 1800 के आसपास मान लीजिए, 200 साल से ज्यादा, 220 222 साल के आसपास होने जा रहे हैं, इतना पहले लोगों ने ये काम किया हुआ है। कई बार सोचता हूं मैं कि उस दौर में हम कहाँ थे और ये लोग कहाँ थे, आप ये देखिए, क्योंकि 1799 और 1800 के आसपास भारतीय समाज कहाँ था इन सारी चीजों में। तो चलिए इसको हम नाम देते हैं उन्हीं के नाम पर, रुफिनी थ्योरम। तो थ्योरम का स्टेटमेंट और थ्योरम के प्रूफ को आज समझते हैं अच्छी तरह से। तो डिफरेंट, अगर आपके पास साइकिल्स हैं तो हर एक के ऑर्डर का एलसीएम ले लीजिए, ओवरऑल साइकिल का ऑर्डर आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, द ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। ऑफ अ फाइनाइट सेट रिटर्न इन डिस्जॉइंट साइकिल्स डिफरेंट साइकिल फॉर्म, डिस्जॉइंट साइकिल फॉर्म रहते थे। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द लेंथ ऑफ साइकिल्स ऑफ द लेंथ ऑफ द साइकिल्स। तो बच्चों ये हमें प्रूफ करनी है, ये थ्योरम है रुफिनी थ्योरम। तो कल इस पे बातचीत तो की थी, प्रूफ नहीं किया था, ऐसा हुआ था ना? ठीक है, यस तो बच्चों इसको हम दो तीन स्टेप में तोड़ लेते हैं थ्योरम का प्रूफ। तो फिर बात यह है कि पहला वाला प्रूफ क्या किया जाए, पहला स्टेप क्या माना जाए, मैं आपको वो सिखाता हूं। तो स्टेप वन मैं कर देता हूं, लेट कोई साइकिल अल्फा है तो उसका ऑर्डर 1 2 3 अप टू एन है। तो वी शो दैट अल्फा का जो ऑर्डर होगा वो एन होगा। कल ऐसा किया था, ये कर सकते हैं ना आप लोग, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब। यस सर। तो बाकी बच्चे भी समझ रहे हैं ये किया जा सकता है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो पहला स्टेप तो यही है फिर। तो फिर मैं इसे ना करूं, आप इसके लिए आप चाहें तो इसको इट साइकिल में ऐसे लिख लीजिएगा, यहां से
वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, इधर एन माइनस वन या एन थर्ड, उससे पहले एन माइनस वन। और आप अल्फा स्क्वायर करें, अल्फा क्यूब करें, तो जब किसी भी एट स्क्वायर करते हैं तो एट एट के गैप में, क्यूब करें तो दो दो के गैप में, आप करते रहिए, जब आप अल्फा टू द पावर एन करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी, हर एक एलिमेंट फिट्स हो जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, हर एक की इमेज खुद ही है, तो फिट्स होना यही हुआ। तो ये काम हम कल कर चुके हैं, तो मैं, अगर आप कहें तो मैं आगे बढ़ जाता हूं फिर हम, ठीक है? यस सर। तो अब हम लोग यहां से स्टेप टू करते हैं, तो आप अपने नोट्स में ये पूरा लिखिएगा प्लीज। ठीक, तो सेकेंड स्टेप में हम, मैं मान लेता हूं दो डिसजॉइंट साइकिल हैं और उनके लेंथ जो है एम और एन मान लेते हैं, इस तरह से हम तो सपोज अल्फा एंड बीटा बी टू डिसजॉइंट साइकिल, टू डिसजॉइंट साइकिल्स विद ऑर्डर ऑफ अल्फा एम एंड ऑर्डर ऑफ बीटा एन। तो सिंगल साइकिल में तो उसका ऑर्डर वही है जो उसकी लेंथ है, तो आप दो चीजें कह रहे हैं यहां कि दो साइकिल हैं, डिसजॉइंट हैं और उनके ये एम और एन उनके ऑर्डर है। मान लेते हैं एम और एन का जो एलसीएम है वो के में है सपोज, तो सपोज एलसीएम ऑफ एम एंड एन बी के लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसका क्या मतलब हुआ कि के एम और एन को डिवाइड करेगा या एम और एन के को डिवाइड करेंगे? हेलो, एलसीएम जो होता है वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है जिसको एम और एन दोनों डिवाइड करेंगे, के को डिवाइड कर रहे हैं तो के किसी भी मल्टीपल को भी कर देंगे, लेकिन के सबसे छोटा है जिसको दोनों ही डिवाइड कर रहे हैं, ये ठीक है? यस सर। अच्छा, अब यहां से आप दिखाइए, सिंस अल्फा एंड बीटा आर डिस्जॉइंट, यही दिक्कत है यार, कहाँ चले जाता है पता ही नहीं चल रहा है। अल्फा एंड बीटा डिस्जॉइंट साइकिल्स सो अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा, तो सेकंड स्टेप में आप ये प्रूफ करेंगे। क्या ये भी हम कल कर चुके हैं कि डिस्जॉइंट अगर आपके पास परमुटेशन है
तो वो कम्यूट करते हैं, सर। तो काफी हद तक देखिए ओरिजिनल थ्योरम बहुत लंबी है, उसमें कई सारी चीजें आ रही हैं। ठीक हो गया, तो दो स्टेप हो गए और आपको ये पता लग गया कि किस स्टेप में क्या करना है। अब यहां पर स्टेप थ्री कर, स्टेप तो स्टेप थ्री में आप चूंकि कम्यूट करते हैं तो आप अल्फा का ऑर्डर कितना है, एम है, ऑर्डर ऑफ अल्फा एम है, इसका मतलब एम इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट अल्फा टू द पावर एम। ठीक है, यस सर। अच्छा जरा ऊपर देखिए बच्चों, आपने अभी कहा था कि एम डिवाइड्स के, यहां पर है या नहीं है, एम के को डिवाइड कर रहा है ना, तो के जो है यस सर। का मल्टीपल होगा फिर लिख देता हूं, सिंस एम डिवाइड्स ट्रे, ट्रे इक्वल टू एम टाइम्स लैम्डा, लैम्डा कोई नेचुरल नंबर होगा, तो फिर सो अल्फा टू द पावर ट्रे इक्वल टू अल्फा टू द पावर एम लैम्डा, अल्फा टू द पावर एम टू द पावर लैम्डा, अल्फा टू द पावर एम ई है, ई टू द पावर लैम्डा इक्वल टू ई, तो अल्फा टू द पावर ट्रे अगर जो होगा वो आइडेंटिटी ही आएगा। क्या ये समझ में आया आप लोगों यस सर। को? तो सिमिलरली बीटा टू द पावर के भी आइडेंटिटी होगा, क्यों? सिंस बीटा का ऑर्डर क्या लिया था हमने, एन, एन तो बीटा टू द पावर एन ई आएगा और एन सबसे छोटा होगा, मैं लिख रहा हूं। ऑल्सो आपने अभी लिखा था एन डिवाइड्स टे, तो टे टाइम्स टे इक्वल टू एन टाइम्स लैम्डा वन, लैम्डा वन कोई नेचुरल नंबर होगा, तो आप अगर बीटा की पावर टे निकालेंगे तो बीटा की पावर एन लैम्डा वन, तो आप लिखेंगे बीटा की पावर एन की पावर लैम्डा वन, बीटा की पावर एन अभी आपने लिखा था आइडेंटिटी, लैम्डा वन इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अगर अल्फा और बीटा का ऑर्डर एम और एन है और एम एन का एलसीएम के है, तो के टाइम करने पे अल्फा की पावर के भी आइडेंटिटी दे रहा है और बीटा की पावर के भी आइडेंटिटी दे रहा है। ये लाइन सबको क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा, ऑल्सो अल्फा एंड बीटा कम्यूट हमने अभी कहा है, हमने कहा है सिंस अल्फा एंड बीटा कम्यूट, दिस इंप्लाइज अल्फा बीटा की पावर के को अल्फा की पावर के बीटा की पावर के लिख सकते हैं, ऐसा तभी लिख सकते हैं जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, याद है आप लोग, यस क्योंकि अल्फा बीटा डिसजॉइंट हैं तो कम्यूट करेंगे, तो
तो अल्फा बीटा की पावर के भी आइडेंटिटी आईडी। तो इसका मतलब है अल्फा बीटा का जो भी ऑर्डर होगा वो के को डिवाइड करेगा या नहीं? अल्फा बीटा की पावर के आइडेंटिटी आ रही है, तो इधर से क्या समझ में आता है कि ऑर्डर ऑफ अल्फा बीटा जो भी होगा दैट डिवाइड्स के, लेट ऑर्डर ऑफ अल्फा बीटा को कुछ मान लो टी, मान लो टी, सो टी डिवाइड्स के, ठीक है ऐसा लिख सकते हैं। यस अच्छा बच्चों मैं ये दिखाऊंगा कि अल्फा बीटा का ऑर्डर के ही है, लेकिन मैंने तो दिखाया अल्फा बीटा का ऑर्डर टी है। तो अब मैं अगर ये दिखा, जैसे टी डिवाइड्स के दिखाया मैंने, ऐसे के डिवाइड टी दिखा दूं, तो टी और के नेचुरल नंबर हैं और दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो बराबर होने के अलावा कोई चॉइस है? सर, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा बीटा का ऑर्डर के ही आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा जो उनके प्रोडक्ट से था उसका ऑर्डर के है, और के क्या है, एम और एन का एलसीएम है, क्या यही निकालना है? यस सर। निकालना क्या है, अल्फा एम ऑर्डर, एम लेंथ, एम ऑर्डर का एक साइकिल है, बीटा एन ऑर्डर का है, तो अल्फा इंटू बीटा कितने ऑर्डर का होगा उनका प्रोडक्ट? तो अगर आप कहते हैं वो के ऑर्डर का है, के उन दोनों का एलसीएम है, तो हमें यही निकालना है कि अल्फा बीटा जो है उसका ऑर्डर के है, अभी मैंने उसका ऑर्डर टी माना है, ठीक, तो टी के को डिवाइड करेगा। अब मैं दिखाता हूं कि के टी को डिवाइड करेगा, तो दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या मैं यहां तक सारी चीजें समझा पा रहा हूं या कोई डाउट हो रहा है अभी? और बच्चों की क्या स्थिति है भाई, कोई जवाब ही नहीं दे रहा बाकी? सबको क्लियर है या नहीं है मैं ये पूछ रहा हूं। यस सर, क्लियर तो रुफिनी थ्योरम मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, एक साइकिल दो डिस्जॉइंट साइकिल हैं, तो डिस्जॉइंट के मामले में ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद सवाल ये उठेगा कि क्या किसी साइकिल को हमेशा डिस्जॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जरूरी है या नहीं, तो उसको भी प्रूफ कराऊंगा, क्योंकि अभी तो आपने डिस्जॉइंट तो कह दिया है यहां पर। तो सवाल नेचुरल ये उठेगा, क्या हमेशा संभव है डिस्जॉइंट साइकिल में ही लिखना किसी लंबे परमुटेशन को? तो वो कैसे है वो हम बताएंगे, वो भी है, ठीक, वो बात की बात है फिर अगले बार। तो बच्चों मैंने क्या कहा, पहले स्टेप में आप ये करेंगे, कोई भी एक साइकिल ले लीजिए एन लेंथ, तो आप ये दिखा दीजिए कि इसका ऑर्डर एन है, एन अगर आपको बड़ा लगता है तो कल की तरह छोटा सा ले लो, चार पांच ऑर्डर का, और दिखा दीजिए कि हम ऐसा ही करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि ये फाइनाइट के लिए है, इनफाइनाइट के लिए तो है नहीं, तो कोई भी एग्जाम्पल काम कर जाएगा। स्टेप वन सबको अच्छी तरह क्लियर है ना? यस सर। उसके बाद बच्चों दूसरे मैंने ये कहा, दूसरे में क्या था, ये था अल्फा बीटा दो डिस्जॉइंट साइकिल है, उनका ऑर्डर एम एन है, के उनका एलसीएम हो गया, तो आप ये दिखा दीजिए कि ये डिस्जॉइंट है तो ये कम्यूट करेंगी, ये भी मैंने आपको कल कराया है पिछले लेक्चर में, ये दूसरे स्टेप का काम हो गया। तीसरे स्टेप का काम फिर हम इससे आगे कर रहे हैं, ये लास्ट ही है, थोड़ा सा रह गया है। तो हमने ये दिखाया कि अल्फा का ऑर्डर एम है और बीटा का ऑर्डर एन है, ठीक, इनका एलसीएम के है, तो के टाइम अगर अल्फा को ऑपरेट करें तो भी आइडेंटिटी, बीटा को ऑपरेट करें तो भी आइडेंटिटी, और अल्फा बीटा को ऑपरेट करें तो भी आइडेंटिटी, इतना कर लिया हमने। तो अल्फा बीटा की पावर के अगर आइडेंटिटी है, तो अल्फा बीटा का जो भी ऑर्डर होगा वो के को डिवाइड करेगा ना? यस सर, तो मान लो उसका ऑर्डर टी है, तो टी के को डिवाइड करेगा। मैंने यहां तक आपको बताया है, एक भी लाइन या स्टेप अगर किसी को नहीं आया समझ में तो प्लीज बोलिए, और अगर आया है तो मैं आगे बढ़ता हूं।
इतना क्लियर है ना? यस अच्छा, सर। अब इस बात को समझिए कि आपने कहा कि अल्फा बीटा का ऑर्डर टी है। चलो ठीक हो गया, फिर टी है तो हम वहीं से शुरू करते हैं। सिंस ऑर्डर ऑफ अल्फा बीटा टी है, इसका मतलब अल्फा बीटा की पावर टी अगर आप करते हैं तो आपको आइडेंटिटी मिलेगी। आप इसे अल्फा की पावर टी, बीटा की पावर टी इक्वल टू आइडेंटिटी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अल्फा और बीटा कम्यूट कर रहे हैं, इसलिए कर सकते हैं ना ऐसा? तो यस सर। ठीक हो गया। तो बच्चों यहां से आप लिख सकते हैं, कहां गायब हो जा रहा कर्सर यार। इसमें सबसे बड़ी परेशानी मेरी कर्सर ढूंढने की हो गई है। तो अल्फा की पावर टी इक्वल टू बीटा की पावर माइनस टी, और बीटा की पावर टी इक्वल टू अल्फा की पावर माइनस टी, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? यस अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए। कोई भी आपने एक साइकिल, सिंगल साइकिल हमने कल खुद के साथ मल्टीप्लाई की, बीटा की पावर टी टू। सोचो बीटा कोई साइकिल है, उसकी पावर बीटा की पावर टू, बीटा की पावर थ्री, बीटा की पावर फोर, बीटा की पावर टी। ठीक है, क्या कोई नया एलिमेंट आने के चांसेस हैं? कोई साइकिल ली हमने कल, 1 2 3 4 5 6 7 लिया था अगर आपको याद हो, तो उसमें अल्फा लेके अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब करते थे। क्या कोई नया एलिमेंट आया है? उन्हीं वही एलिमेंट आते रहे, सर वही आएगा। वही आएंगे ना? ठीक। तो बच्चों ये बराबरी बड़ा गजब दे रही है, क्योंकि अल्फा और बीटा डिसजॉइंट है। हाँ, अल्फा और बीटा क्या है साइकिल? अल्फा और बीटा डिसजॉइंट साइकिल है, और आप यहां पर लिख रहे हैं अल्फा की पावर टी के बाद वो बीटा की पावर माइनस टी टाइम हो रहा है, या बीटा की पावर टी अल्फा की पावर माइनस टी हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना? और जबकि अल्फा बीटा में कोई कॉमन है ही नहीं। ये पॉइंट, ये बराबरी होना बड़ा मुश्किल काम है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? नहीं आ पा रहा है पॉइंट सेवन में। अरे भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये तो बता दो यार। हेलो, मेरी आवाज ही नहीं आ रही थी आप लोगों तक? अल्फा बीटा, आप सीधे ले, अल्फा की पावर टी इक्वल टू बीटा की पावर माइनस टी, और बीटा की पावर टी इक्वल टू अल्फा की पावर माइनस टी। हियर अल्फा एंड बीटा आर डिसजॉइंट साइकिल। ये साइकिल डिसजॉइंट है। अगर ये डिसजॉइंट है तो अल्फा की पावर टी एंड बीटा की पावर माइनस टी, और बीटा की पावर टी एंड अल्फा की पावर माइनस टी विल ऑल्सो बी डिसजॉइंट। ये लाइन समझ में आ पा रही है या नहीं आ रही है, मैं ये पूछ रहा था। हेलो, सर अभी एक बार और रिपीट कर दीजिए। क्या हुआ? नेटवर्क नहीं आ रहा था क्या? या समझ में नहीं आ पा रहा?
सारी क्लास साइलेंट हो गई थी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। डिफिकल्ट हो रहा है समझने में। बीच में ध्यान कहीं और लगा लिया होगा, नहीं तो ऐसा होना नहीं चाहिए था बच्चों। कोई डिफिकल्ट ऐसा था नहीं। देखिए प्लीज, आपको मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि अल्फा बीटा का ऑर्डर टी है, तो अल्फा बीटा का ऑर्डर टी आइडेंटिटी दे देगा। अल्फा और बीटा कम्यूट करते हैं तो अल्फा की पावर टी और बीटा की पावर टी लिख सकते हैं। तो यहां से अल्फा की पावर टी टू आप बीटा की पावर माइनस टी, या बीटा की पावर टी टू अल्फा की पावर माइनस टी, ऐसा लिख सकते हैं। इतना क्लियर था? यस सर। क्या अल्फा और बीटा में कुछ कॉमन है? नो सर। नो सर। अल्फा और बीटा में कॉमन कुछ नहीं है, तो अल्फा की पावर टी या बीटा की पावर टी करने से क्या कुछ कॉमन आ जाने की चांसेस लगते हैं? नो क्योंकि कल सर। आपने पावर करके देखा, वही एलिमेंट घूमते रहते हैं आगे पीछे ऑर्डर में, कोई नया एलिमेंट आ जाता है क्या? नो सर। नो सर। तो यही था लिखा है कि अगर अल्फा और बीटा अगर डिसजॉइंट हैं तो उनकी पावर भी डिसजॉइंट होंगी। यस सर। अगर ये डिसजॉइंट हैं और फिर भी बराबरी लिख रहे हो आप सबसे ऊपर लिख रहे हैं ना यहाँ पर बराबरी, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों आइडेंटिटी हो दोनों तरफ, क्योंकि आइडेंटिटी ही कॉमन चीज है सब में। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज ओनली पॉसिबिलिटी इज अल्फा की पावर टी इक्वल टू बीटा की पावर माइनस टी इक्वल टू ई, या बीटा की पावर टी इक्वल टू अल्फा की पावर माइनस टी इक्वल टू ई। ठीक है, यस सर। आप लिख रहे हैं, आप सिंस अल्फा की पावर टी अगर ई कहते हैं आप, तो ऑर्डर ऑफ अल्फा टी को डिवाइड करेगा या नहीं? यस सर। ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या है, कितना था? हेलो, एम। एम एम है। दिस इंप्लाइज एम डिवाइड्स टी। ऐसी बीटा की पावर टी भी अगर आइडेंटिटी है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बीटा डिवाइड्स टी एन डिवाइड्स टी। एम और एन दोनों टी को डिवाइड करते हैं तो उनका एलसीएम भी डिवाइड करेगा या नहीं? ऐसा करेगा। एलसीएम ऑफ एम एन मतलब जो टी है वो भी डिवाइड करेगा। पिछली क्वेश्चन में आपने क्या डिवाइड किया था, टी डिवाइड्स टी, आप क्या प्रूव कर दिया? तो के डिवाइड्स टी के इससे क्या हो जाएगा फ्रॉम वन एंड टू? इक्वल्स टू टी। तो फ्रॉम वन एंड टू टी इक्वल टू टी, तो इसका मतलब हुआ ऑर्डर ऑफ अल्फा बीटा टी है, और टी क्या है? एलसीएम ऑफ एम एन। यही प्रूफ करना था, अल्फा का ऑर्डर अगर एम है और बीटा का ऑर्डर एन है तो उनके जो प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा वो उनके जो अपने अपने ऑर्डर है उनका एलसीएम ले लीजिए। यही रिफिनिटी थ्योरम थी। क्या ये सभी लोगों को क्लियर हो गई है? यस सर। चलिए ठीक है, काफी आसान है मेरी नजर में। आपको कैसा लग रहा है, मैं क्या कहूँ? इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। तो मैं आपको दो एक छोटे छोटे एक दो क्वेश्चंस करा रहा हूं। क्या तब यार, तो
मेरे पास अल्फा मान लेते हैं 1 2 3 है, या 1 3 2 ले लेता हूँ चलो, और बीटा 5 4 5 है, या 5 4 एक ही बात है। तो अल्फा बीटा का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? सर 6 होगा। 6। 6। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप अलग अलग साइकिल, कई दो से ज्यादा भी होंगी अलग अलग साइकिल अगर आपको दे दी जाए किसी एग्जाम में, तो आप उनका प्रोडक्ट का ऑर्डर निकाल लेंगे ना आप सभी लोग। प्रूफ करना तो बहुत आसान काम है, कुछ है नहीं, न्यूमेरिकली सॉल्व करना, थ्योरम प्रूफ करना काम था, और वो उस आदमी का सम्मान है जिसने ये किया था। तो ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर अब नए कंसेप्ट पे आते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल अब ये उठता है कि क्या हम हर एक परमुटेशन को एट साइकिल में या डिफरेंट साइकिल के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट साइकिल लिख सकते हैं या नहीं? तो डिस्कशन कर लेते हैं पहले ऐसा, फिर उसके बाद सोचेंगे। कोई भी एट सेट ले लीजिए आप, ए पढ़ता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ट्रिवियल परमुटेशन हम उसे, ये फाइनाइट सेट है छोटा सा, एक अल्फा ले लेता हूँ। एट तो अगर एसी से पूरा यही बनाया जा सकता है, 1 2 3 4 5 6, एट ही परम्यूटेशन काफी है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 8 बनाया, 4 5 6 से ऐसा बना दिया, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो सारे ही आ गए, और आप चाहें और छोटा लिख सकते हैं। ड्रामा इक्वल टू 1 2 अलग कर दीजिए, 3 4 5 6 अलग कर देते हैं। तो बहरहाल आप किसी फाइनाइट सेट में बहुत सारे परमुटेशन ऐसे बना सकते हैं कि टोटल साइट ए में जितने एलिमेंट थे सभी आ गए, सभी अल्फा में भी सारे एलिमेंट हैं, बीटा में भी है, गामा में भी है, और ऐसे छोटे छोटे भी बना सकते हैं। और भी दो ही साइकिल होनी जरूरी नहीं है, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, पहले मैं ये पूछ रहा हूं। क्या अल्फा बीटा गामा में आपको सारे एलिमेंट दिख रहे हैं या नहीं जो ए में थे? यस सर, सारे सारे हैं ना? ऐसा कैसे लिखा है ये इस पे मत जाइए, ये मैं अभी इस थ्योरम के बाद बता देता हूं आपको कि कैसे हम तोड़ेंगे, वो उससे बात करते हैं। ये चलो यार, तुम लोग सोच रहे होगे कि बाद में काम की चीज बता रहे, मैं पहले ही बता देता हूँ, छोड़ो थ्योरम बाद में कर लेंगे, थ्योरम तो बोर करती है आपको वैसे भी। आप क्वेश्चन पे आ जाइए, आप लोगों से ही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अल्फा ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4। अच्छा, 1 4 1 3 1 2, जरा निकालिए प्लीज, करिए तो कितना आता देखें। 1 4 1 3 1 2 मल्टीप्लाई करके देखिए, तो मल्टीप्लाई तो आता ही है आप लोगों को। यस सर।
हाँ करिए प्लीज। सर 1 2 3 4 ही आ जा रहा है वापिस अल्फा। तो समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? यस सर। ठीक है यार, समझ जा रहे हो तो बस यही तो उद्देश्य था। हर साइकिल को लास्ट में हम ट्रांसपोजिशन में तोड़ेंगे अभी। तो किसी भी साइकिल को ट्रांसपोजिशन में कैसे तोड़ेंगे ये बताने की कोशिश है। बाकी लोगों की ओर से कोई जवाब नहीं है क्या? प्रयास भी नहीं किया आप लोगों ने? सर अल्फा ही आ रहा है। सर 1 2 3 4 आ रहा है। अच्छा अगर बच्चों मैं ऐसे तोड़ूं 2 3 2 4 2 1 तो क्या आएगा? एक बार देखिए तो। सर वही अल्फा आ जाएगा। अच्छा टू थ्री फोर वन आएगा। क्या ये अल्फा है? यस सर। नहीं ये कुछ और आना चाहिए। ये शायद मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ। सर 2 1 4 3। टू वन फोर थ्री आना चाहिए। ये कुछ अलग हो गया। ये आ जाएगा। ये कुछ अलग ही हो गया। एक्चुअली बच्चों अल्फा जो था वो 1 2 3 और 4 था ना, तो 2 से शुरू करो तो 2 3 4 1 होगा। लेकिन इधर 2 1 4 3 कुछ और ही कर दिया मैंने। अल्फा को और क्या क्या लिखा जा सकता है जरा सोचिएगा। सर 2 3 4 1। हाँ 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 को अगर आप तोड़ेंगे ना तो राइट से 2 1 2 4 2 3 होना चाहिए था। अल्फा को और क्या लिख सकते थे आप? सर थ्री थ्री फोर थ्री वन टू। फोर 3 4 1 2। यस सर। यस सर। ठीक है भाई। तो ये ट्रसरी मेरे लिए आफत हो रही है। आंख फोड़ के रहेगा पूरा। इतना छोटा है बना हुआ है। अल्फा को आप 3 4 1 2 अगर आप लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 3 1 3 4। इनको मल्टीप्लाई करिए यही आएगा। ये एक ही साइकिल है और ये सब एक ही चीज दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दिखने में अलग अलग लगता है बस। ऐसे ही एक और बना लो भाई। चौथा क्या बनाएंगे आप? 4 1 2 3 अल्फा लिख लो पहले।
और फिर उसके पार्ट तोड़ लो। तो उसको भी तोड़ लिया, तो सभी अल्फा ही थे और सभी का डिकम्पोजिशन था ही। आपको हर बार कुछ अलग दिख रहा होगा, लेकिन फाइनली आना एक ही है। इतनी सारी चीजें एक ही चीज हो बता रही हैं, बस इसमें दूसरी लाइन मुझसे गलत हो गई, वो कुछ और ही बन गया था, वो छोड़ दीजिए। बात समझ में आ गई सब लोगों को? अब यस यस सर, यस यस सर। अगर मेरे पास कोई साइकिल है ना, तो उसको आप डिकम्पोज कैसे करेंगे ट्रांसपोजिशंस में, वो बता रहा था। ये क्लियर हो गया तो ये बड़ी बात है, क्योंकि आप हमेशा ट्रांसपोजिशन फटाफट बना लेंगे। अब पहला एलिमेंट लास्ट, फिर पहला सेकंड लास्ट, पहला थर्ड लास्ट, एंड सो ऑन। लेकिन साइकिल का क्या है? साइकिल तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जब साइकिल बोल रहे हो तो उसका इनिशियल एंड पॉइंट तो है तो नहीं, तो पहला क्या होता है? तो इसलिए मैंने नीचे भी लिख के दिखा दिया यार, अल्फा तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब पहला टू हो गया, पहले अभी तक वन था, तो ठीक है टू से शुरू हो जाएगा। टू वन, टू फोर, टू थ्री, नीचे वाली लाइन पे ड्रॉ करिएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन बात वही है, क्या पहला टू ही हो सकता है, थ्री नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है साहब, थ्री से शुरू कर लो। और पहला एलिमेंट फोर भी हो सकता है, तो फोर से शुरू कर लो। और ये सारे डिकम्पोजिशन एक ही साइकिल के हैं बच्चों, सब एक ही को देंगे। अगर ये बात समझ में आ रही है तो ये काफी अच्छी चीज है। हर एक को क्लियर हो गया इतना? यस सर, यस यस सर। चलो ठीक है, अगर ये समझ में आ गया बच्चों, तो साइकिल डिकम्पोजिशन तो काफी हद तक आपको समझ में आ गया। मतलब कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, बाकी है ही नहीं उसमें कुछ तो। लेकिन डिसजॉइंट साइकिल, ये डिसजॉइंट नहीं था, ये ट्रांसपोजिशन में तोड़ना हो गया। मैंने किस में तोड़ना सिखाया आपको? ट्रांसपोजिशन में ट्रांसपोजिशन में दिखाया। क्या उनमें डिसजॉइंट वाली बात नहीं है? हाँ, क्योंकि जो पहला एलिमेंट है वो सब में दिख रहा होगा आपको। हाँ, यस सर, थ्री थ्री कॉमन है। जो जो है यहां से पता है, क्या पता लगता है यहां से? इवन और ऑड परमुटेशन के बारे में पता लगता है। कोई भी परमुटेशन आप लीजिए, कोई भी साइकिल लीजिए आप, तो आपको ये पता है कि हम इसे ट्रांसपोजिशन में तोड़ सकते हैं। ठीक, अब आप ही लोग सोचिए, किसी बच्चे ने वन को पहला एलिमेंट माना, तो भाई वन फोर, वन थ्री, वन टू तोड़ दिया। किसी ने टू में लिया, किसी ने थ्री को लिया, किसी ने फोर को लिखा होगा। लेकिन हर बार नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन तीन ही रहे होंगे ना? यस सर, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या वो बदले? अरे नो भाई, सर, कितने ट्रांसपोजिशन में टूटा अल्फा? तीन ट्रांसपोजिशन में टूटा हर बार, तो ट्रांसपोजिशन की संख्या तीन ही रहेगी हर बार। ये बात समझ में आ रही है ना? यस सर, सरल शब्दों में रहे, अगर साइकिल की लेंथ फोर है तो तीन तीन बनेंगे, अगर साइकिल की लेंथ पांच होती, वन टू थ्री फोर फाइव, तो सोचो कितने ट्रांसपोजिशन में टूटता? सर चार। हाँ, तो अगर किसी साइकिल की लेंथ एन है बच्चों, तो वो कितने ट्रांसपोजिशन में टूटेगा? N-1। एन माइनस वन, वेरी गुड। तो बच्चों अब आपको एक जानकारी है और हो गई, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये परेशान कर रहा है मुझे लिखने में, आंख में दर्द होने लग गया मेरी आज पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लीजिए। लेंथ ऑफ साइकिल इज एन, देन वी कैन ब्रेक इट इनटू एन माइनस वन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। इफ लेंथ ऑफ साइकिल इज एन, देन वी कैन ब्रेक इट या डिकम्पोज इट इंटू एन माइनस वन ट्रांसपोजिशंस। इतना भी क्लियर है सबको? यस सर, तो बच्चों ये जितने ट्रांसपोजिशन में टूटा, इस बात से हम इसको इवन या ऑड परमुटेशन कहते हैं। अभी जैसे आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वन टू थ्री फोर वाला, जिसको आप अल्फा कह रहे हैं, ये तीन ट्रांसपोजिशन में टूटा,
तो इसको ऑड परमुटेशन कहेंगे। अगर ये चार परमुटेशन में टूटता तो इवन हो जाता, इवन हो जाता। तो इवन और ऑड परमुटेशन किसको कहते हैं, क्या आप समझ पाए अब? यस सर। क्या समझे बताइए कोई? सर जितने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होंगे उसे कोई इवन या ऑड आएगा, तो उसी हिसाब से इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन कहेंगे। बिल्कुल बच्चों, कोई भी अगर आपके पास परमुटेशन है तो आप उसको ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करिए और देखिए कितने ट्रांसपोजिशन हो रहे हैं, उस हिसाब से वो जो परमुटेशन है वो इवन या ऑड कहलाएगा। तो इवन ऑड परमुटेशन में मैं आपको यहीं पर करता हूँ, फिर चलो एक लिखता तो हूँ बिना लिखे भी काम कहाँ से लेगा। मेरे पास कोई परमुटेशन है बच्चों, अल्फा बीटा ही लिखना जरूरी नहीं है, एफ लिख दे रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 7 8 9, तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले 1 2 3 4 को तोड़ो सर, 1 4 1 3 1 2, और फिर उसी के साथ राइट साइड में और लिखो बाकियों का। सर 7 9 7 8। वेरी गुड, 1 4 1 3 1 2 ये हो गया, 7 9 7 8 हो गया यार। अब देखो बच्चों कितने ट्रांसपोजिशन हो गए, 5। तो ये कैसा परमुटेशन है? ऑड परमुटेशन। बस ये ऑड परमुटेशन है। तो इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन क्या होते हैं कोई पूछे तो? कुछ नहीं है, उसको आप ट्रांसपोजिशंस में तोड़ो। लास्ट में देखिए आप हमेशा बेसिक चीज पे जाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर पढ़े, आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप एटम पे जाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं सॉरी एटम नहीं बायो पे जाते हैं तो आप सेल्स पे जाते हैं, कोशिका पे जाते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं हम नंबर्स पे जाते हैं, उसमें भी आप नंबर्स इंटीजर्स प्राइम नंबर्स पे फोकस करते हैं। इसी तरह से जब परमुटेशन पढ़ते हैं तो उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत छोटे छोटे ट्रांसपोजिशन है, आप ट्रांसपोजिशन सबसे छोटी यूनिट है, उससे नीचे फिर कुछ काम का होता नहीं है, आइडेंटिटी बची बस। तो ट्रांसपोजिशन पे क्यों फोकस किया गया होगा इतना, क्योंकि वो बेसिक, वो बच्चों ईंटें हैं जिनसे आप दीवार बनाओगे बाद में, जो बड़ी दीवार बनेगी वो छोटी छोटी ईंटों से बनेगी ना। ईंटें क्या है, परमुटेशन ग्रुप में ईंटों का काम, ब्रिक्स का काम, जिनको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हो आप, वो ट्रांसपोजिशन है। आखिर क्यों ट्रांसपोजिशन को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, क्या मैं ये समझा पाया आपको? यस सर। यस सर। चलिए ठीक, तो आपको इवन और ऑड परमुटेशन समझ में आ गए थे। वो अगर किसी साइकिल की लेंथ 20 है तो वो कैसा परमुटेशन हुआ? सर ऑड। वेरी गुड, अगर वो 20 लेंथ का है तो उसमें 19 बनेंगे ट्रांसपोजिशन। जैसे आपने भी 4 लेंथ वाला देखा, 1 2 3 4 इवन, तो 1 4 1 3 1 2 तीन ही बने। एन लेंथ का है तो एन माइनस वन पर ट्रांसपोजिशन बनते हैं, तो 20 लेंथ का है तो 19 ट्रांसपोजिशन बनेंगे, तो ऑब्वियस है वो ऑड परमुटेशन है, सीधे देखते ही हो जाएगा अब आगे को। अब तुम 200 पूछो 500 का पूछो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझने में है तो बोलिएगा, इवन और ऑड परमुटेशन के बारे में नहीं है? नो सर। चलो ठीक, अगर कोई परमुटेशन ऑड है ना तो वो परमुटेशन को कैसे ही लिखो वो ऑड ही रहेगा, वो इवन नहीं बनेगा अपने आप। उसी का ट्रेलर मैंने ये दिखाया था कि 1 2 3 4 को आपको जैसे लिखना है लिखो भाई, 2 से शुरू कर लो, 3 से शुरू कर लो, 4 से, हर बार नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन तीन तीन ही बने होंगे ना बच्चों अल्फा के मामले में, ऐसा हुआ है नहीं? देखो यस सर। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन तीन ही रहे हमेशा, तो वो हर सिचुएशन में आप उसको, कोई बच्चा एग्जाम में 1 4 1 3 1 2 लिखता है अल्फा को,
कोई दूसरा बच्चा 2 1 2 4 2 3 लिख रहा है, कोई तीसरा बच्चा 3 2 3 1 3 4 लिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑड है तो ऑड है, बस नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 3 होंगे। तो किसी भी साइकिल को आप जैसे लिखना है लिख लो। कहां से पहला एलिमेंट क्या लिखते हैं? साइकिल है तो कोई भी हो सकता है पहला, आप लिखिए जिसको लिखना है। तो आपके ट्रांसपोजिशन एग्जाम में बच्चों के वेरी कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन अगर वो ऑड है तो ऑड ही होगा हर एक का आंसर, इवन है तो इवन ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने पहला एलिमेंट दूसरा माना और मेरा इवन है तुम्हारा ऑड है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीजें क्लियर कर पाया मैं आप लोगों को? इवन ऑड, यस सर, चलिए ठीक है। तो थ्योरम है हमारे पास, एवरी परमुटेशन ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कैन बी रिटन एज एज अ साइकिल और एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्जॉइंट साइकिल्स और एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्जॉइंट साइकिल्स। हर एक परमुटेशन कोई फाइनाइट सेट है तो या तो आप उसे साइकिल के तौर पर लिख सकते हैं या डिस्जॉइंट साइकिल्स में। यहाँ ट्रांसपोजिशन नहीं आया अभी, ट्रांसपोजिशन तो छोटी चीज हुई, फिर और छोटा वो तो अलग हुआ। कोई भी सेट ले लीजिए, तो मैं एक सेट ले लेता हूँ 1 2 3 4 up to n, उसमें शुरू करते हैं काम। तो ये एक बहुत एलिमेंट्री प्रूफ है। एक कोई फाइनाइट सेट ले लीजिए, उनको कुछ भी नाम दे दीजिए। हम जब फाइनाइट ही लेना है तो हम आसान सिंबल ले लेते हैं, ये सिंबल कोई भी ले लें। जब आप आइसोमॉर्फिज्म में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, सिंबल कुछ भी ए वन ए टू ए थ्री ए एन लेके भी कोई गजब नहीं होना है, वही आंसर आएगा। तो लेट अल्फा भी ए परमुटेशन ऑन ए कोई मान लेते हैं हम लोग, एक परमुटेशन तो लेना ही पड़ेगा मुझे। अल्फा पी ए परम्यूटेशन ऑन ए, तो एक परम्यूटेशन है कोई अल्फा, तो हम कैसे लिखें उसके एलिमेंट्स को? साइकिल फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं? मतलब जो ए वन ले लेते हैं कोई एलिमेंट, सपोज ए वन जो है वो ए का कोई एलिमेंट है, हमें नहीं पता ए वन क्या है। ठीक है, सच दैट वह ऐसा करते हैं कि ए वन की अल्फा इमेज ए टू पे पहुंचा देते हैं। मतलब अल्फा तो परमुटेशन है, एफ भी लिख सकते हैं आप, तो एफ ऑफ ए वन ए टू हो जाएगा। वो परमुटेशन में आप लिखते हैं कि ए वन की इमेज ए टू है, ठीक हो गया। अब आप ए टू तो ये हो गया, ए थ्री कैसे लिखेंगे? तो अब ए थ्री को लिखते हैं, ए थ्री ऐसा लिख करते हैं अल्फा ऑफ ए टू, ए टू की इमेज ए थ्री पे गई मान लो। तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टू की जो क्या लिख सकते हैं आप अल्फा ऑफ ए वन। तो आप इसे ऐसा करिए, अल्फा स्क्वायर ए वन कर दीजिए। ये समझ में आया? यस सर, ए वन की इमेज ए टू पे गई, ए टू की फिर या ए वन की 2 बार इमेज लो या ए टू की इमेज ए थ्री पे चले गई, एंड सो ऑन।
सो ऑन इनफाइनाइट तक थोड़ी है, क्योंकि ए तो फाइनाइट है, तो फाइनली आपको एक ऐसा मिलेगा अंटे, कहाँ तक जारी रखेंगे हम लोग इसको, जब आपको अल्फा की पावर सम मान लो एम बार की आपने, और फिर ए1 ही मिलेगा, कहीं ना कहीं घूम फिर के ए1 मिलेगा मिलेगा पता, कोई भी साइकिल लो जहां से शुरू करोगे एट बार के बाद एंड होगी, क्यों होगी, क्योंकि ए फाइनाइट है, कैपिटल ए फाइनाइट है। तो ये 8 साइकिल हो गई या नहीं यहां तक, सर तो ये होगा हमेशा। वाई मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा होना जरूरी क्यों है, अगर आपको हर बार नया एलिमेंट मिलता जाएगा तो फिर क्या ए फाइनाइट रह पाएगा, नो सर नो सर क्योंकि अगर हर बार आपको आप इटरेशन जैसा कर रहे हैं करते जा रहे हैं एक ही काम, और अगर हर बार नया एलिमेंट मिलेगा तो ये इनफाइनाइट पहुंच जाएंगे फिर नंबर ऑफ एलिमेंट, लेकिन ए तो फाइनाइट है तो कहीं ना कहीं तो एक दौर के बाद रिपीटेशन हो रही होगा। तो अब आप इसे एक साइकिल समझ लीजिए, तो आपके पास एक साइकिल हो जाए, अब क्या हो गया साइकिल में, साइकिल आपके पास आ रही है, अब A1, A2, साइकिल को आप ऐसे लिखते रहिए, AM फिर A1 पे चले जाएगा, ठीक है। ये साइकिल हो गया या नहीं, हेलो। यस सर सर अब बच्चों यहां पर ये देखना है कि ये साइकिल में ए के सारे एलिमेंट आ चुके हैं या नहीं, आज हो सकता है सारे एलिमेंट आ गए तो थ्योरम का आधा शुरू का पार्ट प्रूफ हो गया। क्या लिखा हुआ था, एवरी परम्यूटेशन ऑफ अ फाइनाइट सेट कैन बी रिटन एज अ साइकिल, कोई भी एक था फाइनाइट सेट साइकिल के तौर पर लिख दिया, क्लियर है ना। यस सर लेकिन बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि अभी ये पहले ही घूम फिर के साइकिल छोटी बनी हो, और कैपिटल ए जो ऊपर लिखा है उसमें और भी एलिमेंट बचे हुए हों, ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, आप इसको समझिए कि आप ए ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 मान लो, चलो अब आपने एक साइकिल लिया 1 2 3 4, तो इस तरह 1 2 पे लिया 2 3 पे, या तो आप साइकिल ही पूरा 1 2 3 4 5 6 ले लें, ए साइकिल नहीं है बच्चों, ए सेट है, ध्यान दीजिएगा। साइकिल अगर लेते हैं तो 1 की इमेज 2 2 की 3 ऐसे करते हुए 5 की 6 6 की 1, या तो पूरा ही ले लो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इतना ही लिया 1 2 3 4 तो ठीक है, ए के सारे एलिमेंट नहीं आए, तो क्या आप जो इस साइकिल में नहीं आए उनको शुरू करके नया साइकिल शुरू कर सकते हैं आगे को, इसमें 1 2 3 4 यस आए अब क्या बचा, सर 5 एंड 6 तो उनको लेकर नया साइकिल बना लेते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, लो यस सर हो गया। यही तो थ्योरम थी, थ्योरम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कह रही है, बहुत एलिमेंट्री बात कह रही है, कोई भी फाइनाइट सेट है आप उसको या तो 8 ही साइकिल बना लो या 8 से ज्यादा साइकिल बना के उनका प्रोडक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ऐसा। क्या बाकी लोगों को भी ये बात समझ में आ पाई, यस सर हाँ, तो यही थ्योरम है बच्चों, बाकी कुछ नहीं है इसमें, एलिमेंट्री बात कही मैंने। तो आपको अब ये भी हो गया कि हम किसी भी एक फाइनाइट सेट को डिसजॉइंट साइकिल में लिख सकते हैं, जैसे डिसजॉइंट की बात की थी रुफिनी थ्योरम में, तो अब मैंने प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई डिसजॉइंट में लिखना संभव है, इतना क्लियर है, वहां अल्फा बीटा डिसजॉइंट थे तो आपके दिमाग में आया होगा डिसजॉइंट में लिख सकते हैं हमेशा, क्या गारंटी है, तो ये गारंटी है, बिल्कुल लिख सकते हैं, इतना क्लियर है ना सबको। यस सर यस अच्छा सर हाँ, और दूसरी बात यह है, इससे आगे की बात मैंने जो थोड़ी देर पहले बता दी कि अब आप इसको ट्रांसपोजिशंस में भी तोड़ना चाहें तो वो भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो कैसे तोड़ते हैं आज मैंने वो भी सिखा दिया आप लोगों को, वो प्रैक्टिकली काफी यूजफुल चीज है अगर आपने सीख लिया तो।
मैं बार बार कह रहा हूँ, परमुटेशंस में सीखने के लिए बहुत कुछ है बच्चों अभी भी आपके पास। मेरे लिए ही बहुत कुछ है यार, अभी मुझे ही बहुत ज्यादा नहीं आता, इसमें थोड़ा सा आता है तो। लेकिन आप मेंटेन करिए रोज, सबसे महत्वपूर्ण चीज मेंटेनेंस है। इतना काफी है आज, बाकी कल करते हैं। किसी को कुछ कहना है पूछना है तो बोलिएगा प्लीज।